क्या प्रबंधन के लोगों ने, चौकी प्रभारी ने 5 जुलाई के बाद आज 16 जुलाई है, आज तक FIR कायम नहीं हुआ है। हमें जानकारी हुई है कि प्रबंधन के लोगों ने अपने साथी को फरियादी बना करके, डॉक्टरों को मैनेज करके फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बेला बच्चों की नवस्था की तानाशाही व पुलिसिया जुल्म के विरोध में SKM ने कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी, जल्द कार्यवाही न होने पर होगा बड़ा आंदोलन। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बेला व नवस्था चौकी की तानाशाही व पुलिसिया जुल्म के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पीड़ित किसानों एवं क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन पत्र सौंपा है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि मोर्चे की मांग है कि अल्ट्राटेक कंपनी प्रबंधन की तानाशाही के चलते औद्योगिक क्षेत्र का दूषित एवं मलयुक्त गंदा पानी प्रबंधन द्वारा किसानों के खेतों से जबरिया बहाया जाता है, जो गरीब बस्तियों से होकर निकलता है, जिसके चलते खेतों की फसलें चौपट हो रही हैं। गंभीर प्रदूषण के चलते बस्तियों के लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। विरोध करने पर प्रबंधन के गुंडों द्वारा आम नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की जाती है। कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रदूषण रोकने मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। रात्रि होते ही प्रदूषण रोकने वाले उपकरण बंद कर दिए जाते हैं, जिससे लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तथा कोयले का भंडारण खुले में किया जा रहा है, जिसके चलते आम नागरिकों का जीवन दुभर हो रहा है तथा फसलें भी खराब हो रही हैं। यहां लगाए गए हजारों वृक्षों का कत्लेआम कर दिया गया है और औद्योगिक मानक अनुसार वृक्ष भी नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते पूरे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा है। इन्हीं सब बातों का विरोध करने पर अल्ट्राटेक कंपनी के गुंडों द्वारा प्रकाश नारायण सिंह, पिता स्वर्गीय रामलाल सिंह निवासी मधेपुरा को यमुना द्वार गेट के सामने एवं अंदर ले जाकर 5 नामजद आरोपियों सहित अन्य दर्जनों की संख्या में शामिल लोगों ने मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट पुलिस चौकी नवस्था में तथा नगर पुलिस अधीक्षक रीवा के समक्ष की गई थी, लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया और प्रबंधन के इशारे पर चिकित्सकों से फर्जी मेडिकल बनवाकर पीड़ित पक्ष के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हमारी मांग है कि 5 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम के द्वारा CCTV कैमरे की निगरानी पर प्रबंधन द्वारा कराए गए फर्जी मेडिकल की जांच हो, तथा विगत 10 वर्षों से अधिक समय से चौकी नवस्था में आरक्षक पंकज सिंह तैनात हैं, जो कंपनी के प्रभाव में रहकर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होकर कंपनी प्रबंधन के इशारे पर क्षेत्र के लोगों को परेशान करता है तथा झूठे मुकदमे भी पंजीबद्ध कराता है, जिसको तत्काल चौकी नवस्था से हटाया जाए तथा प्रकाश नारायण सिंह के साथ की गई मारपीट पर कार्यवाही न किए जाने पर चौकी प्रभारी नवस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जाए एवं JP सीमेंट प्लांट रीवा द्वारा अधिकतर श्रमिकों के माह नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक का वेतन नहीं दिया गया है, ऐसे श्रमिकों के वेतन का तत्काल भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही मोर्चे ने कहा कि मांगों का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये अल्ट्राटेक कंपनी जो प्रबंधन के लोग हैं, किसानों की जमीन ली गई औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और आज उन्हीं किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वहाँ तमाम प्रदूषण का माहौल है, खुले में कोयला डंप किया जा रहा है, जहरीला पानी किसानों के खेतों से बस्तियों से जा रहा है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। तमाम हजारों वृक्षों का कत्लेआम किया,
एक भी वृक्ष नहीं लगाया। आज देश में माँ के नाम पेड़ सरकार लगा रही है और उसी सरकार का एक बदमाश आदमी अल्ट्राटेक कंपनी चला रहा है, वो वृक्षों का कत्लेआम कर रहा है। ये तमाम मुद्दों का जब विरोध वहाँ के क्षेत्रवासी किसान करते हैं तो उनके खिलाफ मामले पंजीबद्ध कराता है, उनको बेंड कर मरवाता है, गुंडागर्दी करता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और वहाँ पर जो नवस्ता चौकी प्रभारी हैं और वहाँ एक पंकज सिंह आरक्षक है जो दो साल में 15 दिन के लिए इधर उधर थाने में जाएगा, अब पता नहीं मुख्यमंत्री उसको मैनेज, मुख्यमंत्री से मैनेज है कि डिप्टी सीएम से मैनेज है कि यहाँ के एसपी साहब से मैनेज है, और 15 दिन बाहर रहेगा, 2 साल बाद फिर वहीं चला जाएगा। वो तमाम वहाँ उत्पात मचा रहा है, उसको भी वहाँ से हटाया जाए और चौकी प्रभारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सारे मामले हैं, इसको लेकर के हम एसपी साहब से मिलने आए हैं और यदि तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। कितने दिनों का अल्टीमेटम देंगे इसको? हम लोग 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर उसको चौकी से बाहर किया जाए, उस आरक्षक को, उसके द्वारा तमाम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वो लगातार अवैध कार्यों में वहाँ लिप्त रहता है। चौकी प्रभारी और पंकजों की एक टीम बनाए और सीसीटीवी के निगरानी में उसका मेडिकल जांच हो, जिसको प्रबंधन ने अपना फरियादी बनाया है, और इसको लेकर के निष्पक्ष कार्रवाई हो, ये मांग करने हम आए हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती अगला कदम क्या? तो आंदोलन होगा, बिल्कुल बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा क्षेत्र पीड़ित है, पूरा क्षेत्र किसान मोर्चा के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ाई लड़ेंगे। आज जेपी की जो दुर्गति हुई है, हम चाहते हैं कि वो अपनी दुर्गति को ना लाए और कायदे से रहे, वहाँ के किसानों का सम्मान करे और जो एग्रीमेंट है किसानों के साथ उसका पालन करे। लेकिन प्रबंधन को बुलाइए, प्रबंधन से चर्चा कीजिए, मीटिंग तय करवाइए। अब अंतिम अवसर के ऊपर पानी करो, पहली कंपनी है, थोड़ा किनारे हो ही नहीं, हम लोग किनारे हैं, इधर आ जाओ, इधर पीछे आ जाओ, गुंडा तैयार करता है, पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बात सरकार का अवकाश करते हैं, घर से लड़कों को उठा ले जाते हैं, कंपनी के लिए पैर के मारते हैं, यही कानून है, यदि हमारा बच्चा पाती है पुलिस। किसान मोर्चा ने एक ज्ञापन सौंपा है कि अल्ट्राटेक जो कंपनी आई है उनने खुले में जो है अपना केवला रखा है जिसका प्रदूषण फैलता है। कई उनकी और भी इसी तरह की मांगे हैं जिसमें स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनका रोजगार व्यवसाय पुरानी वाली कंपनियों में था वो भी प्रभावित हो गया है। इन सब बातों को लेकर ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को जो है जो हमारे से संबंधित है, जो पुलिस से संबंधित है, उसमें हम जांच करवा के जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। इस दौरान ज्ञापन सौंपने एसकेएम के नेता रामजी सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, सुग्रीव सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखु, शोभनाथ कुशवाहा, संत कुमार पटेल, प्रदीप बंसल, राकेश सिंह, तेजभान सिंह, अनूप सिंह धोनी, मयंक सिंह, अनूप सिंह धोनी, मयंक सिंह, किसान धर्मेंद्र सिंह, राजपति सिंह, प्रकाश सिंह, भीम सिंह, रमेश सिंह, अरुण सिंह, नवीन कोल, प्रकट शुक्ला, मंगलेश्वर प्रसाद तिवारी, अनिल त्रिपाठी, सुनीता सिंह, बब्बू कोल, सुखलाल साकेत, लवकुश बुनकर, राम प्रकाश सिंह, अवनीत सिंह, भारत यादव, दिलीप सेन आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।